मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय मां अहिल्या की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा, 60 साल तक देवी अहिल्या प्रतिमा नहीं थी, हम प्रतिमा का अनावरण कर प्रयासचित कर रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की हीरक जयंती वर्ष एवं लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की त्रिशताब्दी वर्ष के अवसर पर तक्षशिला परिसर में पुण्य श्लोका देवी अहिल्या जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, पूर्व लोकसभा स्पीकर ताई सुमित्रा महाजन, सांसद शंकर लालवानी, विधायक गोलू शुक्ला, कुलगुरु प्रोफेसर रेणु जैन मौजूद रहे। ताई सुमित्रा महाजन ने कहा कि डीएवीवी की प्रतिमा में मां अहिल्या खड़ी है, जो यहां आने वाले छात्रों को संदेश देगी कि किस तरह शिक्षा ग्रहण करना है। मां अहिल्या की प्रतिमा स्थापित हुई, मैंने आते से ही प्रतिमा देखी, अच्छी लगी, मगर आपके मन में क्या बात आई आप ध्यान में रखो, मेरे मन में जो बात आई वो बता रही हूँ। साधारणतया हम अहिल्या माता की प्रतिमा की जो कल्पना करते हैं वो बैठी हुई प्रतिमा, हाथ में शिवलिंगा लेकर, है ना, और फिर हम कहते माता अहिल्या ने अच्छा शासन दिया, प्रशासन किया, कहीं बड़ी उच्च स्थान में बैठी और उच्च स्थान में बैठ करके पूरे भारत वर्ष को दिखा दिया काम कैसे करना होता है, यही एक बात है। मगर यहाँ प्रतिमा बैठी हुई नहीं है, यहाँ प्रतिमा खड़ी है, क्योंकि ये विश्वविद्यालय का परिसर है। विश्वविद्यालय में जो युवा शक्ति आती है और वो जो शिक्षा ग्रहण करती है, तब उसको ये याद रखना है, ये जो अहिल्या यहाँ पर खड़ी है उसने मल्लाराव होलकर और गौतमाबाई के विश्वविद्यालय में किस तरीके से शिक्षा प्राप्त करी, चहुओर से ताकत एकत्रित करी उसने, उसने भाला फेंकना भी सीख लिया और जो पट्टा बोलते हैं ना, दान पट्टा चलाना, चौफेर चलाना होता है, तो उसने दारू गोला कैसे बनाना, सैन्य की हलचल कैसे करना, तोप गोला कैसे कर बनाते हैं, तोप को एक जगह से दूसरे जगह भेजना हो तो कितनी सावधानता से भेज, एक एक चीज देखी। संजय, तो वास्तव में विश्वविद्यालय का बहुत ही उद्धार होगा, जो हमारे विश्वविद्यालय की बहुत सारी योजनाएं हैं, जो कमी रही वो भी मैं स्वीकारती हूँ कि हम लोग बहुत कोशिश की पर जो बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स थे वो भी पूरे नहीं हो पाए, तो माननीय मंत्री जी की कृपा रहे हमारे विश्वविद्यालय पर और हमारा विश्वविद्यालय वास्तव में 2047 तक भगवान की कृपा से, मां अहिल्या के आशीर्वाद से और इस विश्व बंधुत्व की भावना से पूरा विश्वविद्यालय पूरे विश्व में, जैसे अभी हमारे कुल गीत में जो हमारे शब्द हैं कि विश्व में उन्हीं की तरह कीर्ति हमारे पूरे विश्वविद्यालय की फैले और पूरा विश्वविद्यालय उतना ही नाम करे, और जब 2047 में हमारा आप सबके सहयोग से हमारे विद्यार्थी हैं जो भविष्य कल का भविष्य हैं, आप सब एक बार फिर से हमारा मिलके भारत को हम अपने विश्वगुरु फिर से बना सकें, अपने सबके जो हमारे संस्कृति के अनुसार हम अपना एक फिर से हमारा भारत देश विश्वगुरु बन सके, और इस सब में आप लोग अपना सहयोग दें और हम लोग इतने ऊंचे चढ़े, जैसे बोला था मैंने, इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे रहा नहीं। तो मैं अपने विश्वविद्यालय हेतु ऐसे ही आशीर्वाद की कामना करते करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। इस अवसर पर मां अहिल्या आध्यात्म से कुशल प्रशासक विषय पर उद्बोधन कार्यक्रम को संबोधित करते उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि मां अहिल्या ने रामराज्य जैसी परिकल्पना को साकार करने वाला शासन मां अहिल्या ने किया। कहना चाहता हूं कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 60 साल पहले। 60 साल तक मां देवी की प्रतिमा उस प्रांगण में स्थापित करने में विलम्ब हुआ,
मैं सोचता हूँ कि मैं प्रायश्चित के साथ ये कह रहा हूँ कि हम उस काम को करने जा रहे हैं, लेकिन पहले वाले लोगों को भी करना चाहिए था। जिस समय स्थापित हुआ उस स्थापना के समय ही माँ अहिल्या की स्टेचू यहाँ लगना चाहिए था, जो उस समय की सरकार ने नहीं किया, उसको भूल सुधारते हुए हम उसको ठीक कर रहे हैं। देखिए, ड्रेस कोड का सर्कुलर पहले से हमारे यहाँ पर है और कई कॉलेजों में और कई विश्वविद्यालयों में उसका पालन हो रहा है। हमने उसको बहुत उदारता के साथ में वहाँ की स्थानीय समिति, छात्र, अभिभावक और जनभागीदारी समितियों को निर्देशित कर रहे हैं कि वो व्यापक इस पर विमर्श करें और अपने यहाँ ड्रेस कोड लागू करने की ओर आगे बढ़े। नहीं, वो ड्रेस ये हम अभी तय नहीं कर रहे हैं, उसके लिए स्थानीय स्तर पर तय करेंगे कैसा ड्रेस होगा, क्या होगा। हम तो केवल एक समानता लाने के लिए, अनुशासन लाने के लिए और उस कॉलेज की पहचान अलग से स्थापित हो सके उसके लिए काम कर रहे हैं, जिस ऐसे निर्देशन जारी कर रहे हैं। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की स्थापना हुए 60 वर्ष हो गए, लेकिन तक्षशिला परिसर में उनकी प्रतिमा नहीं थी। पूर्व की सरकारों ने ऐसा नहीं किया, हम आज उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। काफी प्रभाव है उसके कारण आज देखिए, इस देश को योजनाबद्ध तरीके से इस देश की शिक्षा नीति को नष्ट करने का काम अंग्रेजों ने किया था। अंग्रेज अपने सर्वे में लिखते हैं, उन्होंने सर्वे किया था तब 90% औसत साक्षरता दर वो मानते हैं। 7 लाख से अधिक इस देश में गुरुकुल मानते हैं। 300 साल पहले जिस देश के पास 7 लाख स्कूल और कॉलेज हो, उस देश की संतानें निरक्षर नहीं हो सकती है, अशिक्षित नहीं हो सकती है। 90% साक्षरता दर वो मानते हैं और फिर हमारे देश के लोग अशिक्षित कैसे हुए? जानबूझकर अंग्रेजों ने हमारे शिक्षा के ढांचे को, जो समाज आधारित है, उसको नष्ट किया था। और उनकी शिक्षा पद्धति, मैकाले की शिक्षा पद्धति, जिसमें गुलामी की भावना, गुलाम लोग इस देश में बना लें, यस्सर कहने वाले लोग हम बना लें तो उनका राज्य बगैर कष्ट के ज़्यादा समय तक चल सके, ये उनकी मंशा के अनुसार भारत की शिक्षा नीति को उन्होंने बर्बाद किया था। स्वतंत्रता के बाद में देश की सरकार को चाहिए था कि हमारी अपनी शिक्षा नीति लागू करे, अपने देश के लोगों के मंथन के साथ लागू करे, लेकिन दुर्भाग्य से वही मैकाले की शिक्षा पद्धति आज़ादी के बाद भी इस देश ने चलाए रखी। और मैं समझता हूं कि उस समय की कांग्रेस की सरकार का यह बड़ा दोष है, उन्होंने 70 साल तक इस देश को वही पुराने, आ जाओ विधायक जी, उसी ढांचे को हमारे देश के विद्यार्थियों पर थोपे रखा। सर, आज कुल मिलाकर अब DAVV के तक्षशिला परिसर में भी माँ अहिल्या की प्रतिमा यहाँ आने वाले छात्रों को बेहतर शिक्षा लेकर कुशल शासक बनने की प्रेरणा देती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।